इरोम शर्मिला ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला 9 अगस्त को अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगी। उसके साथ ही इरोम ने यह भी ऐलान किया कि वो मणिपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आयरन लेडी के तौर पर जानी जाने वाली इरोम को भूख हड़ताल के दौरान पिछले 16 साल से कई बार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन्हें नाक से ट्यूब के जरिए जबरन खाना खिलाया गया और उन पर आत्महत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया। इरोम को इस बात का अफसोस है कि जिस मकसद के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठी थी उसको लेकर लोगों की भावना पहले जैसी नहीं रही। बताया जा रहा है कि 44 वर्षीय इरोम अब सामान्य जिंदगी अपनाएंगी, जिसके तहत उनकी शादी करने की भी योजना है।